ऑक्सीडेशन स्टेट सी ट्रांसिशन एलिमेंट्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रॉपर्टी होती है एंड एस सीन स्कैंडियम के केस में दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वन टू ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है और अगर ये इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर देगा तो फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा स्कैंडियम प्लस थ्री का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सेम एज आर्गन गैस कॉन्फ़िगरेशन आर्गन थ्री डी जीरो फोर एस जीरो इसलिए स्कैंडियम और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता स्कैंडियम शोज ओनली प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट बाकी के ग्रुप के जो सभी मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम शो टू ऑक्सीडेशन स्टेटेनियम क्रोमियम मैग्नीज़, आयरन निकल, कॉपर एंड जिंक तो लास्ट ग्रुप है इसका कॉन्फ़िगरेशन है पूरे ट्वेल्थ ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है एन माइनस वन डी टेन एन टू इलेक्ट्रॉन एनी फर्दर तो जो लास्ट ग्रुप है इसमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस टू और जो फर्स्ट है इसमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमनली मिलती है दैट इज प्लस थ्री दैट एप्लीकेबल फॉर एंटायर थर्ड ग्रुप स्कैंडियम इट्रियम लंथेनियम एक्टिनियम सबके लिए अप्लाई होता है अब देखो आप टाइटेनियम में कॉन्फिग्रेशन है थ्री डी टू फोर एस टू तो एस से दो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए आउटर मोस्ट शेल से तो बन गया प्लस टू फिर एक इलेक्ट्रॉन और लूज हो गया तो बन गया प्लस थ्री and if all four electrons lost, it will get plus फोर उससे ज्यादा नहीं बना सकता maximum plus फोर बना सकता है Vanadium, right? तो वेनेडियम केस में क्या होगा kya hoga थ्री फोर एस टू तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस टू बनाएगा वन मोर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट प्लस थ्री बनाएगा न मोर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट प्लस फोर बनाएगा ऑल फाइव इलेक्ट्रॉन लॉस्ट प्लस सिक्स बनाएगा ठीक है क्रोमियम का थ्री डी फाइव फोर एस वन एक्सेप्शनल कॉन्फिग्रेशन तो क्रोमियम इन सम्स कंपाउंड वेरी रेयर वेरी रेयर बट मे शो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्ट्रीट वेरी रेयर बट मे शो द प्लस वन ऑक्सीडेशन स्ट्रीट और बाद में फिर एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा तो हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन इट कैन लूज मैक्सिमम इट कैन लूज मैक्सिमम ऑफ सिक्स इलेक्ट्रॉन एज इट कैन लूज मैक्सिमम ऑफ सिक्स इलेक्ट्रॉन इट कैन बी प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स ना इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू लूज सिक्स इलेक्ट्रॉन्स क्वायर आयनाइजेशन एनर्जी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स दैट टू इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर तो प्लस सिक्स आयन तो नहीं बन सकता और मैंने ये कहा भी नहीं था कि प्लस सिक्स आयन बनेगा जिन लोगों ने मिस इंटरप्रिटेट किया उनके क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूं जब मैंने कहा प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम शो कर सकता है या प्लस फाइव कर सकता है या प्लस फोर कर सकता है आई नेवर सेड दैट इट फॉर्म्स अ क्रोमियम प्लस सिक्स आयन आई सेड इट एक्वायर प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट वॉट इज अव इट एक्वायर प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट बाय शेयरिंग इथ सिक्स इलेक्ट्रॉन विथ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है इनके जो बनते हैं ना वो मैक्सिमम प्लस थ्री तक बनते हैं अगर मैंने कहीं पे कहा मैग्नीज प्लस फोर बन रहा है क्रोमियम प्लस फोर बन रहा है टाइटेनियम प्लस फोर बन रहा है या प्लस फाइव या प्लस सिक्स इसका मतलब वो कोई कोवेलेंट कंपाउंड है and that covalent compound is being formed by the sharing of electron with more electronegative element okay so uh, it's like cro 3 oxygen ka oxidation number minus 2 into 3 that comes to minus 6 so chromium will become plus 6 वेल मैग्नीस का कॉन्फिग्रेशन होता है थ्री डी फाइव फोर एस टू मोस्ट कॉमनली दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा प्लस टू बनाएगा फिर कॉन्सिकली एक इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा तो प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स एंड प्लस सेवन बन गया

एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है राइट right? जैसे मैग्नीज uh, के पास पांच अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है कौन सी पांच अलग अलग पॉसिबल है प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन राधा छह ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है राइट सो टोटल नंबर ऑफ जैसे स्कैंडियम में तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल थी दैट वाज प्लस राइट टाइटेनियम में आए प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर तीन ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल में आए तो प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव चार ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल फिर क्रोमियम और मैग्नीज़ में छह ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है तो जब हम मूव uh, करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू मिडिल फ्रॉम लेफ्ट टू मिडिल मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनक्रीज इन क्यों बढ़ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल ओके क्रोमियम प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्योंकि उसके पास टोटल छह अनपेड इलेक्ट्रॉन है एंड बायूजिंग दो सिक्स अनपेड इलेक्ट्रॉन इट कैन फॉर्म सिक्स कोवेल एंड बॉन्ड्स विथ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का एक सिंपल रीजन क्या है यह ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का सिंपल रीजन है इनक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयड इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डिऑर्बिटो जब हम आयरन पे जाते हैं यहां देखो मैग्नीज़ के पास थे फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल वन टू थ्री फोर फाइव और आयरन में इलेक्ट्रॉन का पैरिंग हो गया जैसे डी सिक्स हुआ यहां पे इलेक्ट्रॉन की पैरिंग हो गई कॉन्पेड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए इसका मतलब जब हम मैग्नीस से आगे बढ़ेंगे ठीक है कॉन्फिगरेशन में आप देख सकते हो जब हम मैग्नीज से आगे जा रहे हैं आयरन निकल कॉपर एंड जिंक तो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का पैरिंग हो रहा है युथी जस्ट टू मिनट आई एल आंसर योर क्वेश्चन ओके सो जब हम uh, आगे बढ़ते हैं फ्रॉम मैग्नीज ऑनवर्ड्स आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक तो वहां पे क्या हो रहा है डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का पैरिंग हो रहा है

क्रोमियम के आगे प्लस वन लिखा है और एक बार कॉपर के आगे प्लस वन लिखूंगा बाकी कहीं प्लस वन नहीं लिखा है ठीक है तो बेसिकली अगर आप देखोगे मैगनीस का स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आपने पूछा है या फिर हम देखेंगे कि uh, में से जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाता है राइट बाय लूजिंग दैट वन मोर इलेक्ट्रॉन द चार्ज ओवर एटम विल इंक्रीज राइट और उसका आउटर शेल पूरा खाली हो जाएगा ठीक है ओनली इनर इनकम्प्लीट रहेगा अगर आप एस में से एक ही इलेक्ट्रॉन हटाते हो एक छोड़ देते हो तो क्या होगा आउटर भी इनकम्प्लीट और इनर भी इनकम्प्लीट ये इसका आ, सीधा एक्सप्लेनेशन हो गया सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया जो आपको समझ में आ जाता है इसका एक एक्चुअल रीजन और भी है जो इसका एडोन रीजन है वो एडोन रीजन ये है कि जब आप आ, एक इलेक्ट्रॉन और हटाते हो तो आयरन के ऊपर सॉरी जो मेटल है उसके ऊपर चार्ज बढ़ जाता है ठीक है बी मोर अलर्ट व्हाट आई एम गोइंग टू टॉप नेक्स्ट जब उस पर चार्ज बढ़ जाता है तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाती है अट्रैक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस हाइड्रेशन एनर्जी हमारी इनकम है जब हम आयन बनाते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन निकाल इलेक्ट्रॉन परचेस करने के लिए एनर्जी देते दे। हैं फिर एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो और एनर्जी देते दे। हैं एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं राइट right? और ये एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद हमारी इनकम क्या होती है कि कॉन्टेक्ट में आता है एक्वे सोल्यूशन में आता है तो इट इज अट, इट अट्रैक्ट द वॉटर एंड इट रिलीज द एनर्जी ठीक है तो देयर वी हैव टू चेक कि प्लस टू आयन बनाने के बाद हमें ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी मिलती है कंपेयर टू प्लस वन आयन प्लस वन के कंपैरिजन में में प्लस ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी मिलती है ठीक है तो फिर अ फ्यू पीपल में आज से क्वेश्चन बनाते जाओ ना फिर प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स मजा है बढ़िया हाइड्रेशन एनर्जी मिल रही है ज्यादा इनकम हो रही है भैया तुम्हारे इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ रहे हैं अगर प्लस थ्री बनाओगे तो तुम्हें और आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी प्लस फोर बनाओगे तो तुम्हें और एनर्जी देनी पड़ेगी इट्स नॉट अ वन वे थिंग दैट यू विल कीप ऑन गेटिंग द हाइड्रेशन एनर्जी राइट यू यू कैन कैन नॉट कीप ऑन पुटिंग इन्वेस्टमेंट इफ देर इज नो इनकम आपको देखना पड़ेगा ना कितना इन्वेस्टमेंट करने से कितनी इनकम होती है राइट right? तो नॉर्मली प्लस वन आयन के कंपैरिजन में प्लस टू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा सेटल्ड होता है क्योंकि आउटर तो इन एम तो हो गया सिर्फ इनर इनकम्प्लीट है ओवर एंड अब हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है दैट इज़ द रीजन मोस्ट ऑफ देम डू नॉट शो प्लस वन मोस्ट ऑफ देम प्रिफर टू शो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर राइट वेल अब जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं कोबाल्ट में तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए निकल में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है सो वी विल बी गेटिंग आयरन वाले ग्रुप में प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस सिक्स फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें ऑब्जर्व नहीं करती है इसको बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है जस्ट रिमेंबर के आयरन वाले ग्रुप में प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट एक्जिस्ट नहीं करती है कॉपर है? ग्रुप, ग्रुप में प्लस वन एंड प्लस टू और जिंक में ओनली प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट अब जब हम यहां से यहां जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो कम होती जा रही है ब्रॉडली उसका रीजन क्या है ब्रॉडली उसका रीजन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग इन डी ऑर्बिटल अब देखो सुनो ध्यान से जैसे मैंने अभी कहा कि प्लस फाइव वाले ऑक्सीडेशन स्टेट को बस मान लो कि आयरन ग्रुप में प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है ठीक है तो वाई लो? लो ऐसा करके क्योंकि मैं आपको तब समझा सकता हूं जब आपके पास कंसेप्ट पूरे हो जब तक आपके पास टूल्स पूरे नहीं है तो मुझे कहीं पे जाके एक एक्सप्लेनेशन को रोकना पड़ता है वो टूल क्या है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में ऐड कर रहा हूं उससे आपको ऐसे जस्टिफाई नहीं करना है कि ये होता है ये नहीं होता है बट यू विल गेट एन आइडिया हाउ द ऑक्सीडेशन आर डिटरमाइंड कौन से एलिमेंट का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा कम स्टेबल होगा दैट एंटायर थिंग डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी टॉकिंग अबाउट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट

सिंक सुनो से मैं इस टॉपिक को बहुत हाई लेवल पे पढ़ूंगा ठीक है प्रेसाइसली पढ़ाऊंगा कि आपको इस टॉपिक को समझना कैसे है उसके बाद आपको इसके शॉर्ट नोट दे दूंगा आपको जो सुटेबल लगता है उसको फॉलो कर लेना राइट i will teach you the whole concept intact concept right aisa table bana ke jo hum zyada acche se rationalize kar paaye ki kya ho raha hai actually theek hai a few people are not very much interested in gaining too much of knowledge तो फिर मैं आपके लिए last में कुछ short note बना दूंगा कि भाई इतना याद रख के काम चला पहले round में कोशिश करो कि आप proper interest लेके और इस concept को समझ पाओ before i start the concept any one of you please give me the definition of ionization energy quickly definition of ionization enthalpy फटाफट से बोलो टाइम पास मत करो यस वनी सर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल उसके बाद एक एस्टेरिक मार्क होता है कंडीशन अप्लाई नो आइडिया सर ओके बोलो सर ऑफ आइसोलेटेडियस एटम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द shell ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम बात होती है एक एनर्जी की लेकिन छुपी हुई होती है दो एनर्जी एक बात बताओ कॉपर क्या गैस है क्या जिंक गैस है क्या आयरन गैस है क्या तो अगर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है तो पहले आयरन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आयरन वेपर्स में जिंक को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जिंक वेपर में कॉपर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉपर वेपर, पड़े वेपर में अगर मैं आपसे कहता हूं कि आयरन की आयोनाइजेशन एनर्जी आयरन की आयोनाइजेशन एनर्जी ले रफली हम बोल देते हैं 400 किलो जूल है राइट एज़ ए रैंडम वैल्यू तो इज इट दैट टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन यू नीड टू प्रोवाइड 400 किलो जूल एनर्जी राइट बट 400 किलो जूल एनर्जी यू रिक्वायर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयरन व्हेन आयरन इज इन द वेपर स्टेट इट तो इसका मतलब हमें आयरन सॉलिड से आयरन प्लस वन बनाने के लिए ध्यान से सुनो आयरन सॉलिड से आयरन प्लस वन बनाने के लिए 400 हंड्रेड किलो जूल एनर्जी नहीं चाहिए उससे भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी क्योंकि 400 हंड्रेड किलो जूल तो तब चाहिए जब आयरन गैस से आयरन प्लस गैस बनाता है गेटिंग इट गैसियस एटम से गैसियस आयन बनता है तो 400 हंड्रेड किलो जूल चाहिए हमारे पास तो आयरन सॉलिड है तो एक एनर्जी छुपी हुई है उसको हम कहते हैं ऑफ ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन। एटमाइजेशन व्हाट कॉल का मतलब हो गया, हम सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं जब सॉलिड मेटल को वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक एक एटम अलग अलग हो जाएगा मतलब हमें मिल जाएगा आइसोलेटेड गैशियस एटम इट तो इसका मतलब आप जब कोई आयन बनाते हो यू डोंट इन्वेस्ट वन एनर्जी यू डोंट इन्वेस्ट ओनली आयोनाइजेशन एनर्जी यू इन्वेस्ट टू एनर्जीज वन इज द हीट ऑफ एटमाइजेशन एंड अदर वन इज द हीट ऑफ आयोनाइजेशन एंड ऑब्वियसली वी डू नॉट टेक द आयरन गैसियस आयन दैट गैसियस आयन इज डिजोल्व इन वॉटर एक्वे सोल्यूशन मोस्ट तो जब गैसियस आयन बनेगा क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हो आप का एक्वेस करते तो जब वो पॉजिटिव आयन वाटर में डिसॉल्व होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज भी होगी इसका मतलब ये तीन एनर्जी का खेल है नंबर वन एटमाइजेशन नंबर टू आयनाइजेशन नंबर थ्री हाइड्रेशन इसमें से पहले दो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं आपको प्रोवाइड ही करने पड़ेंगे कोई रास्ता नहीं है आयरन सॉलिड को आयरन वेपर बनाना है यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी आयरन वेपर में से इलेक्ट्रॉन हटाना है यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी बट हाइड्रेशन एनर्जी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी नेगेटिव यू विल बी गेटिंग इट बिकॉज पॉजिटिव आयन विल अट्रैक्ट द वॉटर सो एनर्जी विल बी रिलीज इट फर्दर मोड हम यहां पे बात कर रहे हैं इस टॉपिक में हेडिंग में देखो एम प्लस टू टू एम मतलब मैंने प्लस वन आयन नहीं लिया है कौन सा आयन लिया है प्लस टू अब बताओ आपके इन्वेस्टमेंट क्या होंगे एटमाइजेशन आयनाइज़ेशन एनर्जी वन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी टू ये तीन होंगे इस इन्वेस्टमेंट और फोर्थ होगा द एनर्जी यूल बी कैटिंग दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी अब इन सबका जो टोटल आता है ना ध्यान से सुनो मैं आपको लॉजिकली समझाने का ट्राई करता हूं आप सुनो ध्यान से आप बेसिकली क्या कर रहे हो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू आप दो इलेक्ट्रॉन परचेस कर रहे हो खरीद रहे हो आप दो ठीक है तो उसके लिए आप प्रोसेस फॉलो करते हो उसको एटमाइज करके एनर्जी देते हो फिर उसमें से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देते हो फिर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देते हो फिर एक में सोल्यूशन बनाते हो तो तीन जगह आपको एनर्जी देनी पड़ती है एक जगह आपको एनर्जी मिलती है और ऑल इन ऑल आपका कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होता है ऑल इन ऑल देर विल बी सममेंट राइट तीन पॉजिटिव है एक नेगेटिव है एंड रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा अब आप ध्यान से सुनो जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी सुन लेना ध्यान से समझ में आ रहा है जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी अब आप ध्यान से सुनो मैं एक एलिमेंट के पास गया उसके हाइड्रेशन एंथेल्पी उसकी चारों एंथेल्पी हाइड्रेशन फर्स्ट आयोनाइजेशन सेकेंड आयोनाइेशन एनेटमाइजेशन चारों एनर्जी उसकी हंड्रेड है लर्न करने के लिए देख लेते कितनी हंड्रेड है? है ठीक है तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस हंड्रेड एटमाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन सेकेंड आयनाइजेशन 300 का इन्वेस्टमेंट हुआ और 100 का गेन हुआ तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ 200 का 300 इन्वेस्ट किया 100 वापस मिल गया तो टोटल गेन कितने का हुआ 200 मतलब मैं ₹200 देके दो इलेक्ट्रॉन खरीद के ला रहा हूं ठीक है अब हम दूसरी शॉप पे गए दूसरे मेटल के पास गए उसकी जो आ, पहली तीन एनर्जी है वो तो हंड्रेड 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 है लेकिन हाइड्रेशन एनथेल्पी उसकी माइनस टू हंड्रेड कितनी है माइनस टू हंड्रेड अब सुनो ध्यान से एटमाइजेशन हंड्रेड गया फर्स्ट आयनाइजेशन हंड्रेड और गया सेकेंड आयनाइजेशन हंड्रेड और गया एक्वे सोल्यूशन टू हंड्रेड मिल गया तो 300 गया 200 वापस मिल गया इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ सौ रुपए में दो इलेक्ट्रॉन खरीद के आ गए अच्छी डील कौन सी है हंड्रेड रुपीज में दो इलेक्ट्रॉन मिल गए अच्छी डील तो हमारे लिए वही है ना इसका मतलब अच्छा एक बार और देखते थर्ड कंडीशन फर्स्ट तीन एनर्जी हंड्रेड 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 है और हाइड्रेशन लेट्स से हाइड्रेशन माइनस फिफ्टी कितना है माइनस तो 300 तो आपका गया एटमाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन सेकंड आय 300 तो आपने लगा दिया आयनाइजेशन में कितना मिला सॉरी हाइड्रेशन में कितना मिला 50 तो so 300 हंड्रेड माइनस फिफ्टी आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 250 तो फर्स्ट एलिमेंट था जिसमें आप दो इलेक्ट्रॉन खरीद के ला रहे थे 200 आप, आ, दो सौ रुपए में सेकेंड एलिमेंट था जिसमें आप दो इलेक्ट्रॉन खरीद के ला रहे थे कितने सौ रुपए में और थर्ड एलिमेंट ऐसा है जिसमें आप दो इलेक्ट्रॉन खरीद के लाते हो टू फिफ्टी रुपीज में तो सबसे अच्छा डोनर कौन सा है फर्स्ट सेकेंड या थर्ड मी द नंबर फर्स्ट सेकेंड या थर्ड कौन सा अच्छा है सेकेंड वन इज द बेस्ट राइट right? तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी आ, किसका प्लस टू आयन ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड वाले का क्योंकि वो सस्ता मिल गया राइट right? उसको बनाने में प्रॉब्लम नहीं आई और सबसे कम स्टेबल सबसे कम स्टेबल प्लस टू आयन किसका होगा थर्ड वाले का क्योंकि उसको बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा पैसे देने पड़े राइट right? अब ऐसे पैसे दे देगी तो बात चलेगी नहीं केमिस्ट्री में वो तो आपके लिए है बस राइट right? अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल से लेकिन थोड़ा डाउट आएगा जस्ट जस्ट होल्ड फॉर मैट The answer is only if the total of atomization, if the sum of atomization, ionization, and hydration is less positive, what less positive, then reduction potential will be more negative Close when the sum of when the sum of atomization ionization and hydration atomization when the sum of atomization ionization and hydration enthalpy is less positive then electrode potential reduction potential मोर नेगेटिव तो हम यहां क्या कहना चाह रहे हैं लेस पॉजिटिव मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट कम है मतलब वो आयन इजिली बन रहा है मतलब कैल्शियम प्लस टू इजिली बन गया आई एम हैप्पी सो आई वॉन्ट टू कीप कैल्शियम प्लस टू बिकॉज इजिली बनता है तो रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू ना कि कैल्शियम जिंक प्लस टू इजिली बनता है इसका मतलब जिंक प्लस टू को वापस जिंक में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है जिंक प्लस टू को वापस जिंक में क्योंकि मैंने आपसे कहा जिंक प्लस टू इजिली बनता है अगर जिंक प्लस टू इजिली बनता है इसका मतलब जिंक प्लस टू इज स्टेबल इफ जिंक प्लस टू इज स्टेबल विल इट इजिली गो बैक जिंक नो इट विल ट्राई टू रिमेन एज जिंक प्लस टू कॉन्ट्ररी टू दैट मैं आपसे कहता हूं कि लेट्स आयरन प्लस टू इज हैविंग सम ऑफ दिस थ्री एनर्जी इज मोर पॉजिटिव मतलब वो दो इलेक्ट्रॉन देता है लेकिन थोड़ा महंगा देता है थोड़ा एक्सपेंसिव है ठीक है तो क्या आयरन प्लस टू जिंक प्लस टू के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा क्या नहीं महंगा दे रहा है ना कौन जाएगा शॉप राइट right? तो इसका मतलब आयरन आयरन को में कन्वर्ट करना इजी है क्योंकि आयरन प्लस टू को बनाने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इसका मतलब आयरन ज्यादा स्टेबल नहीं है और ज्यादा स्टेबल नहीं है तो वापस उसको आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तभी तो आयरन में कन्वर्ट होगा ना और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर को हम क्या बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल राइट right? तो जिंक प्लस टू से जिंक नहीं जा रहा है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है ज्यादा स्टेबल है मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इट इज नॉट गोइंग बैक टू जिंक इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर क्या होती है रिडक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर नहीं है मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव ठीक है समझ में आया अब ये तो था आपका ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन ऑल इन ऑल एक्सप्लेनेशन इससे हमें क्या पता चलता है कि मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेसिस पे नहीं कह सकता कि कॉपर प्लस वन ज्यादा स्टेबल है या कॉपर प्लस टू ज्यादा स्टेबल है कहानी पूरी तब होगी क्योंकि अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बोलोगे तो आपको एनर्जी की इंफॉर्मेशन नहीं है फिर ठीक है आप ऐसे ही बात करो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ज्यादा स्टेबल है इसको ले लो ये बन जाएगा और इसीलिए हमें कंफ्यूजन होता है कि अरे कॉपर प्लस वन में तो थ्री डी टेन होता है कॉपर का कॉन्फिग्रेशन क्या है थ्री डी टेन फोर एस वन थ्री डी टेन फोर एस वन तो कॉपर प्लस वन बनाओगे तो क्या बचेगा थ्री डी टेन और कॉपर प्लस टू बनाओगे तो क्या बच जाएगा थ्री डी नाइन तो कॉन्फिग्रेशन वाइज ज्यादा स्टेबल कौन है 3D10. प्लस ज़्यादा स्टेबल है लेकिन रियलिटी में कॉपर प्लस टू इज मोर स्टेबल अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वाले कंसेप्ट अटका रहूंगा तो मैं आपको यह कभी बता ही नहीं पाऊंगा कि कॉपर प्लस टू ज्यादा स्टेबल क्यों होता है राइट जब भी आप मुझसे आप में से कोई डाउट आके पूछेगा सर वाई कॉपर प्लस टू इज मोर स्टेबल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऐसा ही है तो मुझे कुछ ना कुछ गोल गोल जवाब देना पड़ेगा अगर मुझे पूरा एक्सप्लेन करना है तो मुझे फिर पूरा ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा आई कैन नॉट स्किप द पार्ट दाइट दैट इज द रीजन वी हैव इंक्लूडेड दिस टॉपिक है डिटेल आपको ये समझना पड़ेगा जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा इन्वेस्टमेंट मिनिमम इनकम मैक्सिमम और इन सबका टोटल करने के बाद वैल्यू आनी चाहिए मिनिमम पॉजिटिव इतना तो कंफर्म है कि हम तीन बार एनर्जी दे रहे हैं और एक बार एनर्जी वापस मिल रही है तो ओवरऑल तो हमारा इन्वेस्टमेंट ही होने वाला है मेरे तीनों एग्जाम्पल में कभी दो इलेक्ट्रॉन को परचेस किया हंड्रेड रुपीज में कभी दो इलेक्ट्रॉन को परचेस किया टू हंड्रेड रुपीज में कभी दो इलेक्ट्रॉन को परचेस किया टू फिफ्टी रुपीज में भैया परचेस करोगे तो पैसे देने ही पड़ेंगे कोई शॉपकीपर तुम्हें सामान के साथ ऊपर पैसे रख के नहीं देगा राइट right? ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है तुम्हारे चेंज है चार की चीज थी तुमने पांच का नोट दिया उसने हंड्रेड रुपीज तुम्हें वापस कर दिए तो वो हंड्रेड ही तुम्हें वापस मिल सकते हैं पर तुम ये नहीं कह सकते कि देखो मैं सामान भी ले आया और सौ रुपए भी ले आया भैया तो वो सौ रुपए तेरे ही है राइट यू डिड नॉट गेट द थिंग एंड द मनी बैक राइट तो ये बात तो कंफर्म है अगर कोई कहता है कि सर कभी ये तीनों का टोटल नेगेटिव हो सकता है क्या तो करके बता देना एक दिन शॉप पे जाना कुछ खरीद के लाना और साथ में उससे उतने ही पैसे भी लेके आना ठीक है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है आप इलेक्ट्रॉन बाय कर रहे हो आपको पैसा तो देना पड़ेगा राइट right? अदरवाइज आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा लेकिन उसका टोटल मिनिमम होना चाहिए आप सामान कहां से खरीदोगे आप ये थोड़ी कह सकते हो शॉपकीपर से मैं तो सामान ही नहीं खरीदूंगा या तो, तो मुझे सामान भी दो और पैसे भी दो तो मत खरीद जा अपने घर बैठा रहे इज़ द भैया इलेक्ट्रॉन जब आप परचेस करोगे तो पैसे तो देने पड़ेंगे लेकिन कम कम पैसे देने पड़ेंगे इन तीनों का टोटल कम आएगा वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएंगे वो और अगर वो आयन आयन ज़्यादा ज़्यादा स्टेबल स्टेबल होगा होगा अगर है तो वापस वापस एटम एटम में नहीं एटम में कन्वर्ट नहीं और अगर वो रिड्यूस नहीं होगा इसका मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है तो मैं दोनों बात बोल सकता हूं मैं या तो ये बोल सकता हूं जिंक जिंक प्लस इज मोर स्टेबल देन इन द सोल्यूशन या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है इसका मतलब जिंक प्लस टू डज नॉट इजीली कन्वर्ट इनटू जिंक ठीक है तो ये तीनों के टोटल से हमें पता चलता है ये है कहानी इतनी सी राइट right? इन तीनों का जो सम है नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स मोर रिड्यूसिंग पावर और मोर नेचर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन राइट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था मैंने आपने रिडक्शन पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर खुद रिड्यूस नहीं होना चाहता उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है इटसेल्फ डज नॉट वांट टू अंडरगो रिडक्शन सो इटसेल्फ विल अंडरगो ऑक्सीडेशन इफ इटसेल्फ विल अंडरगो ऑक्सीडेशन विल रिड्यूस द अदर तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होता है वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है राइट right? मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर ज्यादा होती है तो अगर हम इन जनरल बात करते हैं आपने ईएमएफ uh, सीरीज लर्न किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखा खत एंड ऑल दैट, राइट उसमें बॉटम में कौन से एलिमेंट आते हैं लिथियम पोटेशियम बेरियम मैग्नीशियम सब नीचे वाले एलिमेंट हैं, ठीक है थीके? वो सब एलिमेंट कहाँ के हैं एस ब्लॉक के हैं लिथियम एस ब्लॉक का है पोटेशियम एस ब्लॉक का है सोडियम एस ब्लॉक का है कैल्शियम मैग्नीशियम जो बॉटम में आ रहे हैं जिनके रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव आ रहे हैं वो कहा है दे आर फ्रॉम द एस ब्लॉक क्यों एस ब्लॉक ये ऊपर की तीन लाइन आपको आंसर कर देंगी एस ब्लॉक के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं आपको पता है सीजियम तो रूम टेम्परेचर पे रूम uh, टेम्परेचर से थोड़े हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है सोडियम को भी आप इजीली मेल्ट कर लेते हो मतलब एटमाइजेशन एनर्जी बहुत कम है और एस ब्लॉक की आयोनाइजेशन एनर्जी तो सबसे कम होती है तो सेकंड इन्वेस्टमेंट भी कम है राइट right? तो इसका मतलब क्या हो गया एस ब्लॉक्स आर बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर्स, उनके लिए इन तीनों का टोटल बहुत लो पॉजिटिव आता है बहुत सस्ते में इलेक्ट्रॉन मिल जाता है एस ब्लॉक के पास राइट right? इसका मतलब दे आर गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स इसका मतलब क्या हुआ दे आर गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स इसका मतलब खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो दूसरे को क्या करेंगे रिड्यूस सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बट रिकॉल द टेबल अगेन जो आपके पास लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल है या सोडियम है या पोटेशियम है इन सब के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर आप रिकॉल करोगे थोड़ी बहुत तो पता चलेगा माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन पॉइंट समथिंग उतनी ज्यादा नेगेटिव है जिंक का कितना था जिंक का तो आपने बहुत बार यूज किया है हाउ मच वॉज इट माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स मतलब नेगेटिव तो है लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है इसका मतलब पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर कंपेयर टू एस ब्लॉक वाई जिंक इज अर इलेक्ट्रॉन डोनर कंपेयर टू एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन महंगा क्यों है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो जब आप फर्स्ट ग्रुप से चलते चलते ट्वेल्थ ग्रुप तक आ गए तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत बढ़ गई तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसलिए जिंक का जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है इन द सेंस उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम नेगेटिव है तो हम यहां पे लिख देते हैं मेंशन कर देते हैं इन तीनों का जो टोटल है लेस पॉजिटिव सम ऑफ दिस थ्री इज लेस पॉजिटिव इसका मतलब मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब गुड रिड्यूसिंग एजेंट ओके और सम इज मोर पॉजिटिव The sum of all three energies more positive means less negative reduction potential and sometimes positive reduction potential also. So that becomes poor reducing agent.

ज द रीजन आई एम स्ट्रेसिंग सो मच ऑन दिस टॉपिक क्योंकि यह क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बन के आ सकता है अगर उन्होंने टेक्सट बुक में से यह टॉपिक हटा भी दिया रिड्यूसबस में डाल भी दिया ना तो भी ये टॉपिक वो कवर कर सकते हैं ऑन द नेम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दैट इज द रीजन वी आर स्ट्रेसिंग सो मच अब सोचो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ पांच मेटल ऐसे हैं पूरी ई एम एफ सीरीज में जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है सिर्फ पांच मेटल ऐसे हैं कौन है ऐसे पांच मेटल ऐसे पांच मेटल के नाम बताओ जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है जो ईएमएफ सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं कौन से पांच एलिमेंट है एनी जय क्या मनाली बोलो सर uh, कॉपर सिल्वर मर्क्यूरी एल्यूमिनियम एंड प्लेटिनम नॉट एल्यूमिनियम से याद रखो सबसे सस्ता कॉपर है उससे महंगा सिल्वर uh, है उससे ज्यादा एक्सपेंसिव गोल्ड है राइट right? मरक्य को बीच में कहीं भी, भी डाल दो मुझे इसकी रेट पता नहीं क्या रेट चलती है ठीक है और ऊपर ही ऊपर प्लेटिनम डाल दो ठीक है तो ये पांच मेटल और ये पांचों मेटल किसको बिलोंग करते हैं कौन से ब्लॉक को बिलोंग करते हैं डी डी ब्लॉक ब्लॉक को ऑल दिस फाइव बिलोंग टू व्हाट राइट इसीलिए मैंने लिखा अब इनके रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है ये हमने वहां डिस्कस नहीं किया था हमने बस बोल दिया था कि इनके रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है व्हाट डिस्कस नहीं किया था क्यों पॉजिटिव राइट आंसर यहां पर है गोल्ड की सिल्वर की प्लैटिनम की इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइज़ेशन बहुत ज्यादा होती है मर्क्यूरी की कम होती है लेकिन अगर एंथैल्पी ऑफ एटमाइज़ेशन कम हो भी तो अदर केस आयोनाइज़ेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो जाती है मतलब पहले दो का टोटल इतना ज्यादा हो जाता है कि दैट आयन इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म इसका मतलब दैट पर्टिकुलर आयन इज लेस स्टेबल तो वो आयन इमिडिएटली किसमें कन्वर्ट होने का ट्राई करेगा एटम में आयन एटम में कन्वर्ट होने का ट्राई करेगा मतलब रिड्यूस हो जाएगा मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया पॉजिटिव हो गया राइट right? तो किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है किसी का नेगेटिव होता है उसका रीजन क्या है हमने यह तो बोल रखा है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होता है जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होता है उसका आयन ज्यादा स्टेबल होता है राइट right? अगर मैं बोलूं जिंक प्लस टू ज्यादा स्टेबल है या कॉपर प्लस टू ज्यादा स्टेबल है तो हमारा आंसर होगा जिंक प्लस टू ज्यादा स्टेबल है क्यों क्योंकि जिंक प्लस टू का रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस पॉइंट सेवन सिक्स और कॉपर का है प्लस पॉइंट थ्री फोर आयन हैविंग मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल आयन हैविंग मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर स्टेबल लिख लो इस लाइन को एक बार कई बार लिखवा चुका हूं कई बार डिस्कशन में आ गई फिर एक बार आयन हैविंग मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल

क्योंकि एस ब्लॉक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होता है और डी ब्लॉक का रिडक्शन पोटेंशियल कम नेगेटिव होता है नेक्स्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी फर्स्ट वन एंथेल्पी ऑफ आयोनाइजेशन मतलब सेकेंड वन डिक्रीजेस एंड एंथेल्पी ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीजेस देन रिडक्शन पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव इस वाले पॉइंट का मतलब क्या है इस पॉइंट का मतलब है दिस वन। अगर हाइड्रेशन एनर्जी सॉरी एटमाइजेशन आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन तीनों का टोटल लेस पॉजिटिव आता है मतलब उसकी एटमाइजेशन एनर्जी कम है आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और हाइड्रेशन थोड़ी ज्यादा है राइट right? इन्वेस्ट करना पड़ता है लेट्स से हंड्रेड हंड्रेड और मिल जाता है हंड्रेड तो इन्वेस्टमेंट कम है और इनकम कंपेरेटिवली अच्छी है तो ऐसे केस में रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा मोर नेगेटिव होगा दैट दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी किया एस ब्लॉक एलिमेंट्स आयोनाइजेशन एंथेल्पी एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन इज लो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं तो एटमाइजेशन एनर्जी कम होती है और एनर्जी भी कम होती है इसलिए ब्लॉक वाले अच्छे इलेक्ट्रॉन के डोनर होते हैं डी ब्लॉक वालों को वेपराइज करना डिफिकल्ट है ऊपर से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो वो कम अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं राइट जिंक को जिंक प्लस टू में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है मैग्नीशियम को मैग्नीशियम प्लस टू में कन्वर्ट करना इजी है किसी भी एस ब्लॉक एलिमेंट को उसके आयन में कन्वर्ट करना इजी है लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट को आयन में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है क्योंकि डी ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होते हैं कॉन्ट्री टू दैट ट्रांजिशन एलिमेंट है

कम होते हैं लेस नेगेटिव होते हैं माइनस पॉइंट सेवन सिक्स माइनस पॉइंट फोर फोर राइट सो दे रिड्यूसिंग एजेंट ब्लॉक इवन फॉर सम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सम मेटल्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑल्सो पॉजिटिव अभी मैंने आपको बताया पांच मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है कॉपर सिल्वर गोल्ड मर्क्यूरी एंड प्लेटिनम across the series reduction potential become less negative due to increase in the first and second ionization enthalpy so read out this line properly jo last ki do blue lines hai inko ek bar properly read karo और अपनी अपने understanding के according analyze करने का try करो क्या कह रही है last की दो lines? ये दो लाइन ये कह रही है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे डी ब्लॉक में तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ेगी ना कभी भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और वहां ऊपर इन्वेस्टमेंट वाली लाइन में सेकंड पॉइंट क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो तीनों का टोटल ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर देखो और तीनों का टोटल ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो पोटेंशियल लेस नेगेटिव हो, तो right है, तो हो है. होता है मतलब आयन फॉर्म करना डिफिकल्ट हो जाता है आयन फॉर्म करना डिफिकल्ट हो जाता है ऑब्वियसली आयोनाइेशन एनर्जी बढ़ रही है हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉर्म द राइट नौ ये एनसीआरटी का ही क्वेश्चन है रिडक्शन पोटेंशियल एम प्लस टू टू एम इज मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फॉर जिंक मैग्नीशियम जिंक सॉरी मैग्नीज जिंक एन निकल हमने कहा लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज के आखिरी में आता है इसका मतलब इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम नेगेटिव होना चाहिए या शायद ये भी कह सकते हो कि पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि कॉपर का तो पॉजिटिव है ना प्लस पॉइंट थ्री फोर तो जिंक का भी पॉजिटिव होना चाहिए और प्लस पॉइंट थ्री फोर से भी ज्यादा होना चाहिए अभी जस्ट प्रीवियस ब्लू लाइन जो आपने रीड की वो यही कह रही थी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने लगेंगे लेस नेगेटिव होने लगेंगे। लेकिन जिंक का तो मोर नेगेटिव है मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड उसका रीजन क्या है एक्चुअली क्या है जिंक क्या करता है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट बहुत इजीली कर देता है राइट right? उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है मैंने कहा था ना आपके अगर आप प्लस टू आयन बना रहे हो तो आपके तीन इन्वेस्टमेंट होंगे एटमाइजेशन आयोनाइजेशन वन प्लस आयोनाइजेशन टू तो मैग्नीज और जिंक मैग्नीज और जिंक दोनों के कॉन्फिग्रेशन क्या हैं मैग्नीज का कॉन्फिग्रेशन है थ्री डी फाइव फोर एस टू और का है थ्री डी टेन फोर एस टू एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएंगे फोर एस वन जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो ये क्या ट्राई करेंगे चलो एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो सस्ते में निकाल दो राइट स्टॉक क्लियरेंस सेल लगा दो राइट right? कम माल बचा है सस्ते में निकाल देते हैं क्यों तो, कम माल बचाए तो सस्ते में क्यों निकालना है एक ही इलेक्ट्रॉन बचाए तो सस्ते में क्यों निकालना है दो रीजन है एक तो बचा हुआ ज्यादा स्टेबल होगा डी फाइव एंड ओवर एंड प्लस 2 आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी जबकि प्लस वन की हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो जिंक और मैंगनीज क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद में सीधी स्टॉक क्लियरेंस सेल लगा देते हैं भैया ये एक बचा इसको भी लेके जाओ राइट right? और उसको लेके जाने से उन्हें फायदा होता है उनका कॉन्फिग्रेशन भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है ओवर एंड अब उनकी हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है समझ में आ गया थर्ड पॉइंट यानी हाइड्रेशन एनर्जी हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए होती है तो वो क्या करते हैं सेकेंड आयोनाइेशन एनर्जी की वैल्यू को बहुत कम कर देते हैं आप जाते हो ना शॉप पे आपने परचेस किया एटीन हंड्रेड का तो वो आपसे कहते हैं एक काम करो सर ट्वेंटी वाउचर, वाउचर स्कीम है एक इलेक्ट्रॉन आपने परचेस कर लिया उसने कहा सर एक इलेक्ट्रॉन और ले लो ठीक है एक इलेक्ट्रॉन और लोगे तो आपको स्टेबल कॉन्फिग्रेशन भी दूंगा और साथ में वाउचर भी दूंगा वाउचर की फॉर्म में क्या देगा हाइड्रेशन एनर्जी देगा राइट So, ये वही स्टॉक क्लियरेंस सेल है जो जिंक लगाता है पहले इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं लगाता जब आप 1800 का बाय कर लेते हैं उसके बाद बोलता है सर टू टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे स्कीम है थोड़ा सा और बाय करना तो फिर वो सेकंड इलेक्ट्रॉन भी क्लियर होता है राइट सो दैट इज हाउ हमारे पास आंसर आ गया केस ऑफ मैगनीज प्लस टू थ्री डी शेल इज इन केस ऑफ जिंक प्लस टू राइट निकल प्लस टू में क्या है निकल प्लस टू सीधा एक ही ऑफर देता है अगर आपने मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन बाय किए तो मैं आपको बहुत ज्यादा हाई हाइड्रेशन एनर्जी दूंगा आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा राइट right? मतलब ये डायरेक्ट वाउचर की वैल्यू नहीं बता रहा ये आपको दे रहा है सरप्राइज गिफ्ट है सर दो इलेक्ट्रॉन पाए कर लो और वो सरप्राइज गिफ्ट और ज्यादा अट्रैक्ट करता है राइट पता नहीं क्या निकल जाए आज तक निकला कुछ भी नहीं और पता नहीं क्या निकल जाए जो निकल प्लस टू है ना इसका कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनता दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद में भी थ्री डी है वो लेकिन उसने अलग टैक्टिक लगाया है उसने कहा हाइड्रेशन एनर्जी में आपको ज्यादा दे दूंगा ठीक है आफ्टर सेल सर्विस मेरी अच्छी है आपके पास आपको हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा मिलेगी आप लेके जाओ ठीक है सो so, निकल के लिए प्लस टू स्टेट ज्यादा स्टेबल क्यों है बिकॉज इस हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर मतलब थर्ड पॉइंट इनकम इज मोर और जिंक और मैग्नीज के लिए प्लस टू स्टेबल ज्यादा क्यों है बिकॉज देयर कॉन्फिग्रेशन इज स्टेबल

बेस्ड क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, राइट right? वो ऐसे होंगे वो आपके दिमाग का दही कर देंगे वहाँ पे एग्जाम में रिडक्शन पोटेंशियल के बारे या ऐसा कुछ पूछ लेंगे तो कंसेप्ट तुम्हारे एडवांस में क्लियर होने चाहिए ये मत सोचना कि, कि उसी में कहानी ढूंढनी है ठीक है

और बहुत ज्यादा कंसेप्ट पूछ लिया तो इंटेक्स एक्सरसाइज एग्जाम्पल उससे ज्यादा नहीं तो उनको पता है पूछ तो लेंगे फिर चेक भी तो करवाना है हमारे टीचर से ठीक है तो ऐसे रास्ते पे ही क्यों जाना जब मुसीबत वापस अपने ऊपर ही आनी है तो भैया वही पूछो जो अपने को आता है ठीक है जो अपना टीचर चेक कर सकता है क्योंकि

राइट करोड़ में एमबीबीएस की सीट कैसे बिकेगी इंजीनियर की सीट कैसे बिकेगी तो निकालना है तो निकल जाओगे डी ब्लॉक में में उतने ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन जितने एक्सरसाइज दिए हुए और सीबीएसई वाले ज्यादा केयरफुल हो जाओ क्योंकि डी ब्लॉक में इस तरह के रिडक्शन पोटेंशियल्स के क्वेश्चंस को मिला के वो कोई भी पैसेज राइटिंग करवा के तुमसे कंसेप्ट पूछ सकते हैं इसलिए इतना लंबा सेशन लेके मैंने सिर्फ अगर टेक्स्ट बुक में इसको देखोगे तो एक पेज भी नहीं है पूरा ही जिसको पढ़ाने में मुझे एक घंटा लगाया राइट बोथ द वे इट इज इंपॉर्टेंट आई हैव टेकन दिस टॉपिक सो लॉन्ग फॉर बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड फॉर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंसेप्ट ऑल्सो राइट ऐसे क्वेश्चन आपके गुजरात बोर्ड में भी आ सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बिलीव मी गुजरात बोर्ड के जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं दे आर नेवर लेस देन द नीट और द जेई लेवल कभी भी उनका लेवल लेवल नीट जेई से कम नहीं होता बस नीट जेई में और गुजरात बोर्ड के क्वेश्चन में एक ही फर्क पड़ जाता है कि कुछ टॉपिक जो गुजरात बोर्ड सिलेबस में नहीं है वो जेई सिलेबस में अगर है तो वो थोड़ा बहुत टॉपिक का फर्क पड़ सकता है पर जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछते हैं देयर लेवल राइट फ्रॉम द टू थाउजेंड इलेवन इन गुजरात बोर्ड इज सच अ गुड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर सच टाइप ऑफ कंसेप्ट राइट एक और छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कॉपर प्लस टू इज अ पॉजिटिव पूरे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में पूरी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जब हम जाते हैं तो सभी एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स नेगेटिव हैं। अकेला कॉपर ऐसा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है That is the question they are asking why it is so. Second ionization enthalpy of copper is very high. होनी bhi chahiye na kyunki copper ka configuration kya क्या होता है 4s1 फिर copper plus one तो configuration क्या हो गया 3d10 तो ये बन गया copper plus two बनाओगे तो 3d9 मतलब जब आप second electron remove कर रहे हो

दोनों ही बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर बोथ सीबीएसई एज वेल एज गुजरात बोर्ड दोनों के लिए ही ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है सो यू शुड बी वेलवर्स विदेप्ट एक चीज देखो इधर ध्यान से अभी जिन लोगों को ये सब बाउंसर लग रहा है या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है आपका कंसेप्ट हो गया पूरा यू कैन लीव द क्लास राइट मैं जो मैंने बोला है आपको उसको एक्चुअल फैक्ट्स पे इस टेबल में दिखा रहा हूं इस टेबल को आपको कोई लर्न नहीं करना है कोई पॉसिबल भी नहीं किसी के लिए लर्न करना ठीक है।, है ये इसमें इस आपको देखो क्लियरली कौन कौन सी एनर्जी दिख रही है सबसे पहले आपको दिख रही है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ये कौन सा है एटमाइजेशन सेकेंड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नेक्स्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फिर ये तो इनका टोटल है फर्स्ट और सेकेंड का टोटल ठीक है और ये है आपकी हाइड्रेशन uh, तो ये आपका है इन्वेस्टमेंट वन ये है आपका इन्वेस्टमेंट टू यह है इन्वेस्टमेंट थ्री और यह है आपकी इनकम और इन सबका टोटल देखो देखो ध्यान से समझ में आ गया ना टेबल में क्या है टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है नंबर वाला फर्स्ट कॉलम उसमें बताया है, कि कितना है. बाकी के दो कॉलम में आयोनाइन एनर्जी में मैंने सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी वन टू का टोटल किया है राइट नेक्स्ट कॉलम में हाइड्रेशन एनर्जी बता रखी है ठीक है उसके बाद इन सबका टोटल किया हुआ है टू इस टेबल के थ्रू मैं आपसे क्या आ, एड्रेस करना चाह रहा हूं ये वाला पॉइंट ठीक है।, है तो इस पॉइंट को एक बार फिर देख लो फिर मैं टेबल पे आता हूं एटमाइजेशन आयोनाइजेशन वन और आयोनाइजेशन टू का टोटल अगर लेस पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा इसी स्टेटमेंट को रिवर्स कर दो अगर इन तीनों का टोटल ज्यादा पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल कम नेगेटिव होगा ठीक है यही लिखा हुआ है ऊपर अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं टेबल में से ये एक्सपेरिमेंटल डेटा इसलिए पॉइंट टू पॉइंट वेरीफाई होगा जरूरी नहीं है अप्रोक्सीमेशन में वेरीफाई कर लेते हैं देखो इधर यहां तीनों का टोटल कितना आ रहा है फिफ्टी फोर और यहां टोटल कितना आ रहा है सिक्स थर्टी एट मतलब ज्यादा पॉजिटिव हो गया ना फाइव हंड्रेड समथिंग से सिक्स हंड्रेड समथिंग ज्यादा पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो रहा है ना लेस नेगेटिव फिर देखो टोटल और बढ़ गया टोटल और बढ़ गया तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया और कम नेगेटिव हो गया राइट right? उसके बाद यहां से यहां देखो बीच में मैग्नीज़ का एक्सेप्शन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ठीक है अभी बताया था ना मैंने मैग्नीज़ का एक्सेप्शन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मैग्नीज बढ़ता जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा लेकिन क्या हुआ था मैग्नीज़ का रिडक्शन पोटेंशियल कम आया था क्यों कम आया था क्योंकि उसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम है वेल well, आप यहां देखो ध्यान से दिस ये बन गया मोर पॉजिटिव ये वाला पार्ट हो गया मोर पॉजिटिव तो ये वाला पार्ट हो गया लेस नेगेटिव राइट ये बन गया मोर पॉजिटिव तो ये बन गया लेस नेगेटिव ये बन गया मोर पॉजिटिव तो ये बन गया लेस नेगेटिव और ये तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो ये लेस नेगेटिव की जगह बढ़ता बढ़ता क्या पहुंच गया पॉजिटिव तो ये टेबल आपको क्या दिखा रही है इसमें से मैगनीस को निकाल दो जिंक को निकाल दो क्योंकि वो तो एक्सेप्शन है तो बेसिकली क्या हो रहा है इन तीनों एनर्जी का टोटल बढ़ता जा रहा है टोटल बढ़ता जा रहा है मतलब आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल लेस इज द रीजन आई मेड एक्सप्लेन यू पीपल यही सोच रहा था कि मैं आपको पैसे से तो समझा दूंगा और scientifically कैसे समझाऊंगा, ठीक है सो आई मेड साइंटिफिक डेटा और यहां पे वो क्लियर दिख रहा है जो मैंने स्टेटमेंट लिखा कि जैसे जैसे तीनों एनर्जी का टोटल ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल

बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें हम प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के रिडक्शन पोटेंशियल और एक दो टॉपिक और डिस्कस करेंगे उसके बाद जो इसका बचा हुआ पार्ट होगा उसका मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा बिकॉज दैट इज नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम इट इज ओनली फॉर राइट और फिर बोर्ड एग्जाम के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे ठीक है अब इसके बाद से इस सेशन के बाद से सॉरी वेन्सडे सेशन के बाद से थर्सडे ऑनवर्ड्स आपके दो टॉपिक्स चलेंगे एक चलेगा पी ब्लॉक और एक चलेगा ऑर्गेनिक ठीक है तो जो पी ब्लॉक चलेगा उसमें मैं आपको डेली एक थर्टी फाइव मिनट फोर्टी मिनट का एक वीडियो पोस्ट करूंगा वो पंद्रह मिनट का भी हो सकता है हमारा स्ट्रेटी ये होगा कि हमें एक दिन में एक कंपाउंड या दो कंपाउंड प्रैक्टिस करना है इट ठीक है तो पी ब्लॉक को हम छोटे 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 फ्रेगमेंट्स में कंप्लीट करेंगे और वो वीडियोस आपके पास वेबसाइट पे सेव रहेंगे

organic chemistry. So we'll be left out with only one topic after that. Right. So by the January 10th, we'll be left out only with the complex compounds and some part of the Kachara chemistry. Baki portion complete completed. Right. So let's meet in the next class the day after tomorrow. Thank you. Have a nice day.